हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है करण, आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में टॉप 5 क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। जी हां, कौन से वो टॉप 5 क्रेडिट कार्ड हैं जो आपको 2023 में लेने चाहिए और नहीं लेने चाहिए, ठीक है। यहां पर मैंने पॉइंट वाइज क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया, यानी कि मैं पहले नंबर पर आपको क्रेडिट कार्ड बताऊंगा वो फिफ्थ पोजिशन पे है, दूसरे नंबर पर जो बताऊंगा वो फोर्थ पोजिशन पे, जो तीसरे नंबर बताऊंगा वो तीसरे पोजिशन पे, ठीक है। जो मैं वीडियो के सबसे लास्ट में क्रेडिट कार्ड बताऊंगा वो है भाई फर्स्ट पोजिशन, क्योंकि वो कुछ अलग ही क्रेडिट कार्ड है। चलिए आपका वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं कौन से वो क्रेडिट कार्ड है जो आपको भाई 2023 में लेना चाहिए, क्योंकि मैंने उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार की है क्रेडिट कार्ड की, ठीक है भाई। छाटने पड़ते हैं कि किस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट है, एक एक बेनिफिट आपको बताना पड़ता है। इस वजह से मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी, क्योंकि मैं आपको एक एक बेनिफिट बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपके वीडियो, बताते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। जो पहला क्रेडिट कार्ड आता है हमारी लिस्ट में, पहली नंबर जो हमारी लिस्ट में क्रेडिट कार्ड आता है वो है एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, ये है एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। अब मैं बताता हूँ इसकी ज्वाइनिंग फीस क्या है, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ये जो एस क्रेडिट कार्ड है आपको तब ज्यादा फायदेमंद है, जैसे कि आप अगर रिचार्ज करते हो, बिजली बिल जमा करते हो, या फिर वाटर बिल जमा करते हो, एक्सपेजेट और कोई बिल जमा करते हो, वो भी गूगल पे की मदद से, ठीक है, ना कि फोन पे पेटीएम की मदद से। अगर आप गूगल पे की मदद से सारे काम करते हैं तो इसमें आपको कुछ डिस्काउंट यानी कैशबैक देखने को मिलता है। अगर आप स्विगी से कुछ मंगाते हैं तो उसमें आपको 4% का यहाँ पर कैशबैक है, जोमेटो से कुछ मंगाते हैं 4% का कैशबैक है, और गूगल पे से अगर आप बिजली बिल, रिचार्ज, पानी बिल या कुछ भी एक्सपेडिट कुछ भी करते हैं ट्रांजेक्शन वगैरह, उस पर आपको 5% कैशबैक है, ठीक है। अदरवाइज अगर कुछ और आप करते हैं ऑनलाइन, इसमें खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से, उसमें 2% का कैशबैक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जैसे कि आप किसी भी लॉन्च में गए, ठीक है, जो कि एक्सिस बैंक के एक्सिस बैंक से पार्टनरशिप लिया, कोई भी होटल में गए जहाँ पे आपने खाना पीना खाया है, तो वहां पे जो है आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन शर्त ये कि वो एक्सिस बैंक के टाई अप होना चाहिए, ठीक है। ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर जो है वो 499 रुपए, और यहाँ पर आप 10,000 रुपए तक की 45 दिन में ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपकी 499 रुपए ज्वाइनिंग फीस लग रही है वो आपकी माफ कर दी जाती है। और एनुअल फीस भी यहाँ पर 499 रुपए है, जो कि आप साल में अगर 2,00,000 तक खर्च करते हैं तो आपकी जो एनुअल फीस भी यहाँ पर बिल्कुल माफ कर दी जाती है। ये नंबर पर जो क्रेडिट कार्ड है वो भाई ICICI बैंक का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ और बेनिफिट्स देखने मिलते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ जल्द से जल्द लिस्ट में देख के। अमेजोन पे आप अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप उसमें आपको 5% का कैशबैक है अगर आप प्राइम मेंबर हो तो, ठीक है, अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक देखने मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग करने पे। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो तो उसमें आपको 3% का यहाँ पर कैशबैक देखने को मिलता है अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो, ठीक है। ज्वाइनिंग फीस 0 है, एनुअल फीस भी 0 है यहाँ पर, ठीक है। और अमेजोन से अगर पेमेंट करते हो, कोई भी अमेजोन से पेमेंट करते हो किसी भी UPI वगैरह में, उसमें आपको 2% का कैशबैक यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है 15% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कैशबैक देखने को मिलेगा ICICI बैंक के, अगर आप किसी भी टाई अप वाले या फिर पार्टनरशिप वाले होटल में जाके खाना पीना खाते हो तो उसमें आपको 15% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये है ICICI बैंक का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे वो है अपना एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अभी आप कहोगे भाई एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट ले लियो यहाँ पर, और फर्स्ट नंबर पे आप एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड भी लिए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट से, मंत्रा से, किसी से भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसमें आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। और अगर एक्सिस बैंक के कुछ यहाँ पर जो ब्रांड है, ठीक है, उन ब्रांड से अगर आप शॉपिंग करते हो तो उसमें जो है आपको 4% तक का डिस्काउंट यानी कैशबैक देखने को मिलेगा। ब्रांड जो है जैसे कि क्लियर ट्रिप है, क्योरफिट है, PVR है, स्विगी है, टाटा प्ले है और ऊबर है, ठीक है। इनसे अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो इसमें आपको जो है 4% का कैशबैक देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर ऑनलाइन अगर कुछ भी और काम करते हो, ऑनलाइन कुछ लेते देते हो, उसमें आपको 1.5% का कैशबैक है। ज्वाइनिंग और एनुअल फीस यहाँ पर जो है वो 500 रुपए की आपको दी जाएगी। एंड यहाँ पर आपको एक वेलकम बेनिफिट मिलता है जो कि 1,100 रुपए का होता है। वेलकम बेनिफिट आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, उसमें आपको जो 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलता है वो भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, ठीक है, और 30 दिन के अंदर, यानी कि 30 दिन के अंदर कोई आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तभी यहाँ पर आपको 500 रुपए का कैशबैक यानी कि एक वेलकम वाउचर मिलेगा, ठीक है। और 500 रुपए की शॉपिंग आपको यानी 500 रुपए की फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है आपको मिंत्रा पे करनी पड़ेगी। जब आप मिंत्रा पे 500 रुपए की फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेंगे तब आपको 500 रुपए का यहाँ पर ये वाउचर देखने को मिलेगा, और 100 रुपए आप स्विगी पे खर्च कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर 1,100 रुपए का वेलकम बेनिफिट जो है खर्च हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस 500 रुपए है जो कि मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन कुछ भी स्पेंड करते हो उसमें 1.5% का कैशबैक है। एक्सिस बैंक से अगर ब्रांड से कुछ चीज खरीदे एक्सिस बैंक के तो उसमें आपको 4% तक का कैशबैक देखने को मिलता है, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर वाले क्रेडिट कार्ड पे। फोर्थ नंबर क्रेडिट कार्ड जो है
वो है HDFC बैंक का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, किसी से भी शॉपिंग करो। ठीक है, पिछले जो क्रेडिट कार्ड थे वो केवल ये कहते थे कि आप अमेजोन से शॉपिंग करो या फिर हम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो तभी हम आपको कैशबैक देंगे, लेकिन यहां पर आप किसी से भी ऑनलाइन शॉपिंग करो या किसी की भी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करो उसी क्रेडिट कार्ड से, यानी कि HDFC मिलेनियम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है, और अगर कहीं और से शॉपिंग करते हो तो उसमें आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलता है। एनुअल और ज्वाइनिंग फीस जो है इसमें 1000 रुपए की है, एनुअल फीस 1000 रुपए की है इसमें, और आप साल में ज्यादा सॉरी महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं जब आप 20000 की शॉपिंग कर लेंगे तब। ठीक है, हालांकि अपने इंडिया में यानी कि अपने गांव या देहात क्षेत्र में कोई भी एक महीने के अंदर अंदर ऑनलाइन 20000 रुपए की शॉपिंग तो नहीं कर सकता है, तो उनके लिए तो 1000 रुपए का एक कैशबैक समझो बेकार गया। ठीक है, लेकिन जो लोग 1000 रुपए से यानी कि 20000 रुपए तक की शॉपिंग कर लेते हैं एक महीने में, उनको यहाँ पर 1000 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा इजीली। ठीक है, बढ़ते अपने लास्ट एंड सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड की तरफ, जो कि हमारे SBI बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये है हमारा SBI बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड जिसमें आप ऑनलाइन कहीं भी यानी कि मिंत्रा हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर अदर कोई साइट हो गई जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कुछ भी हो गया इस क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग करते हैं 5% का कैशबैक यहाँ पर आपको देखने मिलता है, और एक महीने में आपको यहाँ पर 10000 तक का कैशबैक देखने मिलता है, वो भी जब आप 2 लाख से ऊपर यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड है भाई यहाँ पर। ज्वाइनिंग फीस 0 है और एनुअल फीस 999 रुपए है। SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड कहता है भाई आप कहीं से भी शॉपिंग करो हम आपको 5% का कैशबैक देंगे। ज्वाइनिंग फीस मैंने आपको बता दी 0 है, एनुअल फीस यहाँ पर आपको 999 रुपए यानी कि 1000 रुपए देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी लिस्ट में आज top 5 क्रेडिट कार्ड 2023 की जो आपको लेनी चाहिए। मैंने एक एक की ज्वाइनिंग फीस बताई है, एक एक का यहाँ पर मैंने आपको डिस्काउंट और कैशबैक जो भी होता है वो सब बताया। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, अगर मैंने आपको अच्छे से क्लियर नहीं भी किया हो बता देना, दूसरे वीडियो में बना दूँ, और जहाँ पर भी आपको मिस्टेक लगी हो या फिर मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूँ आप वीडियो का टाइटल डाल के हमको बता सकते हैं कि यहाँ पर हम ये चीज़ भूल रहे हैं, वो चीज़ हम दोबारा कवर कर लेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। अगली वीडियो आप लोग अच्छी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे के वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।